जिसको विधि व्यवस्था ठीक रखनी है वह प्रदर्शन पर उतर जाए, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी वहाँ बिल्कुल ही अराजक स्थिति पैदा करना चाहती है। डॉक्टर बेटी की जिस तरह से हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद, उस मुद्दे को ममता जी की सरकार के द्वारा और ममता जी के द्वारा जिस प्रकार से उसकी दिशा को मोड़ने का प्रयास किया गया, आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश की गई, लोग जागरूक हुए, कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया और सीबीआई को केस सौंप दी गई। ममता बनर्जी जी, आप एक महिला हैं, ममता की प्रतीक होती है महिला, लेकिन आप बिल्कुल अपवाद में हैं, बिल्कुल अपवाद में हैं। आपके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। आप को सहयोग करना चाहिए तो आप साक्ष्य मिटाने में लगी हैं, मुद्दों को भटकाने में लगी हुई है, यह घोर अन्याय और पाप है। आप सपोर्ट कीजिए सीबीआई को, साक्ष्य मजबूती के साथ इकट्ठे हो जाएं, इसमें आप सीबीआई को मदद कीजिए। तो आप लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, साक्ष्य को मिटवा भी रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन उतर गई हैं प्रदर्शन करने के लिए। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? आत्मचिंतन कीजिए। इस घोर महापाप में आप साक्षी और उसके समर्थक बन रही हैं, यह ठीक नहीं।